तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फाइनली आफ्टर 21 और 20 डेज, 20 या 21 दिन के बाद मैं वापस आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। यस, आप सब के बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे डीएम्स आए, यूट्यूब पे मैसेजेस आए, कमेंट्स में, चीज़ों में, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये एहसास दिलाने ते रहने के लिए हर बार कि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे ब्लॉग्स का भी सब इसे इंतज़ार करते हैं। यस, कोई रीज़न था जिस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए और जिस वजह से शायद हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं थे। मैं भी इंस्टा पे था लास्ट के डेज़ में, बट बीच में काफ़ी टाइम मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था। ये नहीं, उसके लिए उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, बहुत ख़ास रीज़न था। वो क्या था वो आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और क्यों नहीं आए थे ब्लॉग्स आज से, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे ब्लॉग्स, क्योंकि बस यार आएंगे। फिलहाल हम आपको रीज़न बताते हैं ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे थे हम। हाँ जी, तो वजह ये है कि इतने से हमारे ब्लॉग्स नहीं आए क्योंकि हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि आप सब पूछ रहे थे, आप सब में से कई लोगों ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया था चीज़ें हैं। तो यस, आज हम इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि यस, दीपिका इज़ 3 months प्रेग्नेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही रीज़न था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है और थोड़ा सा इंसान घबराता भी है, डर भी, लाइफ का नया फेज है, एक लाइफ का नया फेज है, थोड़ा इंसान घबराता भी है, डरता भी है। हमने कोशिश की थी, हमने सोचा भी था कि हम इसको पहले बता दें, बट कई लोग सारे जो होते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, चाहे वो अम्मी हो, चाहे वो सब लोग हों, इवन डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि नहीं, 3 months तक आपको ये चीज़ नहीं रिवील करनी है, ये हमारा क्या बोलेंगे उसको, ये हमारा ऐसा कहना है। और आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ गए थे। हाँ। क्योंकि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कनेक्शन है आप सबके साथ, चीज़ें समझ जाते हो, और आप बार बार ब्लॉग्स में हमसे पूछ रहे थे कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। तो हम नहीं बता सकते थे बिकॉज ऑफ रीज़न, सम रीज़न, और क्योंकि आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ भी गए थे। हाँ। कई लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, आई थिंक वो 3 महीने के बाद ही उस चीज़ को अनाउंस करेंगे, जो कि होता है। तो यस, हम लोग इसी चीज़ के लिए रुके हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, सारे टेस्ट अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए आज हम आपके सामने हैं। क्योंकि और तुम बोलो, समझ नहीं आ रहा एक्चुअली हम हाँ। क्या बोले, किस तरीके से बोले। ऑब्वियसली लाइफ का एक बहुत बहुत स्पेशल, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फेज है जो मन में यू नो शुरुआत में, जैसे कि शोएब ने कहा, सब लोग कह रहे थे, तो थोड़ा डर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, डर भी था, बहुत कुछ, सारे मिक्स्ड इमोशंस। एंड जैसे कि शोएब ने कहा, हम आपसे, हम आए और आपको झूठ बोलें या आपसे छुपाएं, वो हमें सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हमने सोचा कि हमारे कुछ रुक जाते हैं, हमारे वो थे रीजंस, क्योंकि सब सभी मना कर रहे थे, जो भी मिल रहा था कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। और फिर आई थिंक आप में से कुछ लोग इस चीज़ को समझेंगे कि जब ऐसी चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो डर आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक रीज़न और भी था, क्योंकि लास्ट ईयर, ये सब आप लोग को पता नहीं है क्योंकि हमने ये आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो सीधे, अगर जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें, अगर उस चीज़ को लेके कभी कुछ गलत बोलते हैं तो सीधे दिल पे चीज़ें लगती हैं, तो इसलिए हमने वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं की थी। लास्ट 2022 फेब एंड या मार्च के आसपास एक मिसकैरेज हुआ था, यू नो, तो डर थोड़ा सा और ज़्यादा था उस टाइम पे। आई थिंक 6th week, छः हफ्ते की 6-7 week की प्रेगनेंसी थी दीपिका की, और उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था। तो यू नो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बाद से, इसके बाद थोड़ा सा डर थोड़ा ज़्यादा था। ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे, हम अकेले नहीं हैं, कई लोग इस फेज से गुजरते हैं, थोड़ी हेल्थ भी डिटेरिएट हुई थी इसकी, यू नो, जैसे जब आप बातें किया करते थे क्या हो गया दीपिका को, ऐसे मोटी हो रही है, ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान के रीज़न होते हैं। बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब सही वक्त हो तब इंसान को उसके बारे में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो आज हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ था, तो शायद इस वजह से हम थोड़ा सा और भी डरे हुए थे। बट यस, अभी, और इनफैक्ट जब मुझे याद है 25th of November मैं चांदी में शूट कर रहा था जब दीपिका का फ़ोन आया था, व्हाट्सअप आया था कि शोएब रुको मैं फोटो भेज रही हूँ देखो। एंड देन फिर जब मैंने खोल के देखा तो ऐसे लाइन थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है दीपिका ओके, मैं ऐसे देखा दीपिका ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चीज़ें हो चुकी थी ना, ज़्यादा दिल पे मत लगाना, जो होगा अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, ऐसा ऐसा चीज़ें करके, मतलब हम दोनों अपने अपने एंड से ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करने में भी या एक खुश होने में भी, क्योंकि
पिछली बार जो हुआ वो होके ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, तो वो और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद हाँ इस बार है, हाँ शायद इस बार है. तो मैं जैसे ही वापस आई मैंने टेस्ट किया एंड फिर मैंने शोएब को भेजा. लेकिन उसके बाद हम बहुत बहुत केयरफुल थे हर चीज़ में एंड शुरुआत में. इनफैक्ट यहाँ तक मैंने उसी दिन इसको बोला भी था कि अम्मी को मत बताना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑब्वियसली बात है हम लोग कभी कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत प्रैक्टिकल इन चीज़ों को लेके समझ जाते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल हो गई थी. ये भी बहुत इमोशनल थी, इसको भी बहुत वो चीज़ हिट की थी. एंड सबको जब बताया था तो उसको मैंने बोला था, हमने कहा दीपिका नहीं अभी अम्मी को नहीं बताना है. लेकिन जब 15-20 डेज के बाद जब डॉक्टर ने, क्योंकि इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, चीज़ें होती हैं, और वो तो, भी एक रीज़न है कि 3 महीने तक और ज़्यादा और ज़्यादा आप सबको पता है the first 3 months आर द मोस्ट डेलिकेट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ एवरी प्रेगनेंसी. हर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा केयरफुल थे. तो जब मैंने दीपिका को भी बोला था, दीपिका अभी अम्मी को नहीं बताना है, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई ऊँच नीच हो, कुछ हो. लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, चीज़ें हुई थी, तो फिर से मैं उनको मतलब नहीं चाहता कि उनको इतनी तकलीफ पहुँचे. लेकिन फिर जब डॉक्टर ने, आई थिंक अम्मी को भी हमने 15-20 डेज के बाद बताया है, जब डॉक्टर ने बोला दीपिका को स्पेशली बेड रेस्ट, अब आपको बेड से हिलना ही नहीं है, बिल्कुल आराम करना है. हाँ बहुत ज़रूरी काम है तो आप निकल सकते हो, वो भी गाड़ी स्पेशली इस तरीके से चला गई कि 20-25 की स्पीड से ऊपर ना जाए, आपको धचकने लगे. और यही रीज़न था कि गाड़ी जो है वो चेंज की थी, हाई कार ली थी. तो ये सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह. जिस दिन हमने अम्मी को बताया, अम्मी यहीं आके बैठी थी, और अम्मी को ऑब्वियसली माँ है, अम्मी को भी डाउट हो गया था, बिकॉज यू नो मैं जिस तरह से ज़्यादा रेस्ट कर रही थी, एनर्जी लो है, कभी होता नहीं है, तो अम्मी को भी डाउट हो गया, सबको डाउट हो गया था. लेकिन वो ना हम कुछ कह रहे थे, ना वो डर के मारे ना कुछ कह रही है, ना कुछ पूछ रही है. तो उस दिन जब आके यहाँ बैठी अम्मी, तो शोएब ने बोला अम्मी अच्छा सुनो, तो अम्मी का सबसे पहले निकला हमें मत बताना अभी. क्योंकि हर किसी के दिल में वो जो पिछली बार हुआ उसको लेके एक डर है, जो बहुत नेचुरल है, मतलब वो हो जाता है. तो बट यस, सबकी दुआएं हैं कि अभी सब ठीक है. यस सबकी दुआएं हैं और सबकी दुआएं चाहिए. अभी ये सफर शुरू हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कल ही परसों हमारा एक स्कैन भी हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सही है, सब अच्छे से गया है, सब कुछ अब तक ठीक ठाक है. इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा इसको क्लॉट था, तो वो थोड़ा सा वरी सम था, बट अभी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. तो हमने डॉक्टर से पूछा कि अभी हम बता दें, क्योंकि हम नहीं वेट कर सकते, सब हमसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या है क्या है. तो उन्होंने और ऐसा नहीं, हम भी मिस कर रहे हैं. हाँ, हम भी आपको नहीं बता पा रहे, तो वो एक लाइफ की बहुत ऐसी कुछ अधूरा लग रहा है. तो यस, ये रीजन था कि इस वजह से ब्लॉग्स नहीं आ पाए थे, क्योंकि जैसे कि पहले बोला झूठ नहीं बोल सकते थे. और आप सब लोग अंदाजा लगा लेते हैं कहीं दीपिका के फेस से, कहीं चीजें से, आप लोग की मैंने सभा के बर्थडे में डांस नहीं किया, सब लोगों की कैलकुलेशंस बिल्कुल करेक्ट रही है, पूल में नहीं गए, डांस नहीं किया. तो यस, ये रीजन था. बट अब आप सबके सामने हैं, और अभी जैसे हम जैसे कि हमने सोचा कि हम दीपिका बताएंगे, तो अभी हम फोटोग्राफ्स कुछ क्लिक करके आए, अब तक आप शायद इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे. एंड उसके मैंने चलो ये वीडियो शूट कर देते हैं ताकि आप सबको हम बता सकें. और यस, अब इंशाल्लाह व्लॉग्स आएंगे आपके पास, आपके लिए. हम भी आपसे दूर नहीं रह सकते, तो अब इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे. मैं भले भी कितना भी बिजी हूँ, लेकिन हफ्ते में एक आध व्लॉग तो मेरा चला जाया करता था, एंड दीपिका के तो आते ही रहा करते थे. फाइनली अब सब रीजन आपके सामने है. आई एम सॉरी अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी को हर्ट किया हो, ब्लॉग्स नहीं आए हो, सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये रीज़न था. आई होप आप हम सबको माफ़ करेंगे, क्योंकि हमने ब्लॉग्स क्यों नहीं डाले, सीजन की वजह से नहीं डाले. बट यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. जेन्युइनली जिस तरीके से आपने वो अपनापन, वो वॉर्म्थ, वो वरी इस बार भी एक्सप्रेस की है, वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है. मतलब DM, कमेंट्स हर तरीके से फ्लडेड है, YouTube भी, इंस्टा भी, सब कुछ, कि आप लोग क्यों नहीं दिख रहे, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो. एंड कई लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये मैसेज कर रहे हैं कि हमें पता है, टेक केयर, ध्यान रखो, सब अच्छा होगा, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. अच्छा लगता है जब आप में से कई लोग समझते हैं ना उस चीज़ को, कि हाँ ये रीज़न हो सकता है. बट कोई बात नहीं, जो नहीं समझते उनके लिए भी कोई बात नहीं. तो ये रीज़न था.
तो बस अभी बस यही आप सबको बताना था और आप सबसे यही कहना था कि आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बस दुआ कीजिएगा कि पहला है इंशाल्लाह और अच्छे से सही सलामत इस जिंदगी में आ जाए, जो भी है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों के लिए उतना ही ज्यादा खुश है, जो भी है बस वो सही सलामत आ जाए हमारे पास। और एक वो कहते हैं ना, वी आर वी आर गेटिंग प्रमोटेड टू बिकम पेरेंट्स, तो ये एक नया फेज है लाइफ का। अब तक साथ में लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत रही है, अल्लाह का शुक्र है, और बस यही दुआ है कि आगे भी सब ऐसा ही रहे। जो पीस है, जो सुकून है, अल्लाह करे वो ऐसे ही बना रहे हमेशा। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ, जैसे मैंने कहा हमेशा चाहिए, तो वो ऐसे ही देते रहिएगा। और वी लव यू, लव, ठीक है। तो ये स्पेशल वीडियो था आप सबके लिए, जल्दी मिलेंगे अब व्लॉग्स में, उसमें मैं आप सबके सबसे बातें करवाऊंगा, अम्मी से, पापा से, सब अभी आने वाली है इंशाल्लाह, तो आने वाली है। हाँ, तो वो सबसे मैं आपसे जो है मिलवाऊंगा, बातें करवाऊंगा, सबकी रिएक्शंस तो खैर अभी पुराने हो चुके हैं, सबको पता है, बट सब क्या गुजरे हैं इस दौर से। आप लोगों से पहली बार ये चीज खुल के शेयर करने में हर किसी की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि कब हम सबसे बताएंगे। यस, कौन सा, तो बस इंतज़ार कीजिए, जल्दी मिलेंगे अब नए व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आए वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, अपनों को प्यार कीजिए, लोगों में खूबियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्यार बांटिए, बस जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।